प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, प्रत्येक नए ई व्याख्यान में नए विषय के साथ में हम बात करते हैं। आपके पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक ही व्याख्यान में नई चीज को लेकर अपन चर्चा करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप पीडीएफ नोट्स जो मैंने बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अवेलेबल कराए हैं उनको आपने प्रिंट ले लिया होगा और इन ही व्याख्यानों में आप गंभीर भाव के साथ में स्टडी कर रहे होंगे। प्रत्येक ही व्याख्यान में आप मेरे द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स को आप साथ में रखें और इनको पढ़ें तो आपको निश्चित रूप से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले के ही व्याख्यान में मैंने राजस्थानी मुगल चित्र शैली के का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया था। इस ई व्याख्यान में हम पहाड़ी चित्र शैली के बारे में बात करेंगे। पहाड़ी चित्रकला हिमालय की घाटी में या हिमालय की गोद में पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र जो हैं वो इन क्षेत्रों में जो विकसित कला रही उस समय उसको हम पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जानते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में सुरम्य प्रकृति, हिमाच्छादित पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, शांत वातावरण में वातावरण ने कलाकारों के मन को नवीन सृजन की ओर आकर्षित किया और जिसमें राजस्थानी तथा मुगल चित्र शैली की विशेषताओं से ओतप्रोत प्रतिभाशाली कलाकारों ने इस नवीन शैली में कार्य किया जिसे पहाड़ी चित्र शैली को बहुत बड़ा लाभ हुआ। इस शैली में क्षेत्र में अवस्थित कई छोटी बड़ी रियासतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसमें गुलेर, कांगड़ा, चंबा, बसोहली, गढ़वाल, कुल्लू, मंडी आदि क्षेत्रों को और आदि चित्र शैलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा पहाड़ी चित्र शैली में। और मैंने पहले के ही लेक्चर में भी आपको इंगित किया था कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात या मुगल शासकों के कला के प्रति कम रुचि के कारण कलाकारों का बिखराव आरंभ हो गया था। तो कलाकार इधर उधर अपने आश्रय को लेने के लिए आश्रय को ढूंढते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और वहाँ के राजाओं महाराजाओं के शासनकाल या उनके आश्रय में नवीन कला शैली जिसको पहाड़ी चित्र शैली कहा गया है। और ये जो कलाकार थे ये मुगल चित्र शैली के और राजस्थानी चित्र शैली के कला तत्वों को या कला विशेषताओं को लेकर गए थे और उनके वहाँ जाने पर वहाँ के वातावरण से और उनके शासकों के रुचि अनुरूप चित्रों का निर्माण किया जिसके कारण पहाड़ी चित्र शैली अपने आप में एक नई विशेषताओं को लेकर उभरी जो भारतीय कला के इतिहास में चित्रकला के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और जो उस समय जो चित्रित हुई कलाकृतियाँ वो आज भी देश विदेश के कई कला संग्रहालयों, निजी और व्यक्तिगत कला संग्रहों में सुरक्षित है, वो भी आज हमें देखने को मिल सकते हैं। और पहाड़ी चित्र शैली के आश्रयदाताओं में बसोली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन सिंह, चंबा के उमेद सिंह, कुल्लू के प्रीतम सिंह आदि प्रमुख हैं। और पहाड़ी चित्र शैली की जो निजी विशेषताएं हैं, निजी जो कला तत्व हैं, उनकी जानकारी सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने दी। इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स जो इन्होंने लिखी 1916 में, और उसमें इन्होंने पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों को मुगल चित्र शैली और राजस्थानी चित्र शैली के चित्रों से अलग बताया, अलग विशेषताएं बताई। इसके पश्चात 1930 में जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी चित्र शैली के विभिन्न केंद्रों की यात्रा कर हिमालय आर्ट नामक पुस्तक में आकर्षक पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों को प्रकाशित कर
अपना लेखन कलाकारी कला में लेखन कार्य किया। इसके पश्चात डब्ल्यू जी आर्चर जो प्रसिद्ध कला विद्वान रहे हैं, उन्होंने पहाड़ी चित्रशैली पर दो पुस्तकों का प्रकाशन किया। पहली पुस्तक इंडियन इन द पंजाब हिल्स और दूसरा कांगड़ा पेंटिंग्स। इन पुस्तकों में आर्चर महोदय ने पहाड़ी चित्रशैली के चित्रों के साथ साथ इस शैली पर कई लेख भी लिखे। इसके अतिरिक्त अन्य कला मर्मज्ञों ने भी पहाड़ी चित्रशैली की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें एम एस रंधावा ने पहाड़ी चित्रशैली पर कांगड़ा वैली पेंटिंग्स और कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स आदि पुस्तकें प्रकाशित की। इसके साथ ही सन 1958 में काल खंडालवाला ने पहाड़ी चित्रशैली पर एक विस्तृत अध्ययन द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स प्रस्तुत किया, जिसमें पहाड़ी चित्रशैली की विशेषताओं का हमें विस्तृत रूप से पता चल सका। अब हम आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख कलात्मक जो केंद्र रहे हैं उनकी चित्रशैलियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बसोली चित्रशैली का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय के पर्वतीय राज्यों में 8वीं सदी के आसपास राजपूत शासकों का राज्य था। कुछ समय बाद में यहाँ अफगान और मुगलों का भी शासन रहा और औरंगजेब के काल में, जो कि बहुत अराजकता का काल था, उसमें भी क्षेत्र में पर्याप्त शांति बनी रही और 17वीं सदी के आसपास यहाँ विष्णु धर्म को अधिक मान्यता प्राप्त हुई। पहाड़ी चित्रशैली में बसोली चित्रशैली का मुख्य स्थान रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बसोली एक छोटा सा राज्य था उस समय, किंतु उसका अपना एक सांस्कृतिक और कलात्मक वैभव था और बसोली के जो शासक है वो अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, महाभारत काल के पांडवों के वंशज मानते हैं। और कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल बसोली राज्य का संस्थापक था। यहाँ के राजा बेलरिया नाम से प्रसिद्ध हुए और जम्मू के पास स्थित इस छोटे से कस्बे पड़ोसी ठिकानों के प्रभाव एवं निजी पारंपरिक पूर्व ठिकाने बसोली में कला का प्रथम प्रमाण सन 1694-95 में भानुदत्त कृति रसमंजरी के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कला प्रेमी शासक कीरपाल सिंह हेतु चित्रकार देवीदास ने किया इनके चित्रों का निर्माण और इस परंपरा को परवर्ती शासकों ने आगे बढ़ाया एवं विभिन्न पारंपरिक विषयों का चित्रण किया। वर्तमान में यह सचित्र प्रति भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसके पश्चात के उत्तराधिकारी शासकों में मेदिनीपाल ने चित्रकारों को प्रोत्साहित कर बसोली चित्रशैली की परंपरा को और अधिक बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने शासनकाल में रंगमहल, शीश महल आदि बनवाए। सन 1730 का बना चित्र गिरी गोवर्धन बसोली चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जीतपाल ने बसोली चित्र परंपरा को और अधिक संरक्षण और संवर्धन देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीतपाल के राज्यकाल में बने चित्रों में रागमाला की प्रति जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में संग्रहित है लंदन में, और भी जो चित्र बने हैं वो सभी अधिकतर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। एक चित्र में श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं और गोपियां सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण को देख रही है। कला इतिहासकार अजीत घोष के अनुसार बसोली कला का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं सदी को माना है और सुंदरतम चित्रों में कुछ चित्र बंगाल के अमर कवि जयदेव कृत गीत गोविंद के दृष्टांत के रूप में उभरे हैं। इस प्रति को महिला कलाकार मानकू ने चित्रित किया था। बसोली चित्रशैली के कलात्मकता से प्रभावित होकर प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एम एस रंधावा ने टिप्पणी की है कि बसोली चित्रशैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल विधियों के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई।
यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारकता, कारिकता व सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस आगे बढ़ते हुए इस ई लेक्चर में बसोली चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो बसोली चित्र शैली की कुछ ऐसी निजी विशेषताएं जिनके आधार पर हम इसे कांगड़ा तथा राजस्थानी शैली या मुगल शैली से सरलतापूर्वक अलग कर सकते हैं। यद्यपि इसमें कांगड़ा शैली जैसी सूक्ष्मता, कोमलता तथा परिष्कार नहीं है, किंतु इसमें सरलता और ओज है। और बसोली चित्र शैली की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है, बसोली चित्र शैली का आकर्षण उनकी रंग योजनाओं में निहित है। कलाकारों ने पीले, नीले तथा लाल रंग का प्रयोग बड़ी उन्मुक्तता के साथ किया है, जो हमारे नेत्रों को स्वतः ही आकर्षित करते हैं। बसंत, धूप एवं आम मंजरी हेतु पीले रंग का प्रयोग हुआ है। नीला रंग श्रृंगार भाव के उद्दीपन हेतु लगाया गया है। लाल रंग का प्रयोग प्रेम राग हेतु प्रयोग में लाया गया है। यह सभी रंग बसोली चित्रों में अंकित विषयों के अनुरूप ही प्रयुक्त हुए हैं। गीत गोविंद के चित्रों में पीले, लाल, नीले, भूरे, हरे तथा बादामी या इससे मिलते जुलते रंगों के सपाट धरातल पर एक विचित्र मायालोक की सृष्टि करते हैं। चित्रित मानवाकृतियों के आभूषणों परिधानों में सुवर्ण तथा रजत रंगों का प्रयोग हुआ है। सही अर्थों में इन चित्रों में रंगों के माध्यम से ही नाटकीय अनुभूतियों की अभिव्यंजना हुई है। बसोली शैली के चित्रकारों के मन की भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति रंगों और रेखाओं के माध्यम से ही हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस ई व्याख्यान में मुगल चित्र शैली के पतन, अधिपतन और विशेषताओं, तुलनात्मक अध्ययन, राजस्थानी चित्र शैली और मुगल चित्र शैली की तुलनात्मक अध्ययन के बाद में पहाड़ी चित्र शैली के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में, उनके इस पहाड़ी चित्र शैली को जिन शासकों ने प्रशय प्रदान किया, कलाकारों को प्रशय प्रदान किया, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और कई चित्रों के बारे में जो रसमंजरी की बात करी, MS रंधावा की पुस्तकों के बारे में बात करी, काल खंडाल वाला के किताबों के बारे में बात करी, JC फ्रेंच के बारे में बात करी, राजपूत पेंटिंग्स जो आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की। तो मैंने पहले भी आपको ई व्याख्यानों में बताया है कि मेरे PDF जो नोट्स आपको मैंने ई व्हाट्सएप पे जो उपलब्ध कराए हैं, उनको आप प्रिंट लेकर उन नोट्स को आप इन ई व्याख्यानों के माध्यम से पढ़ें। और जो मैं जो ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं, उनको आप उन पेंटिंग्स को एवल्यूट करते रहे, उनको देखते रहे, तो आपको निसंदेह मेरे द्वारा जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं वो व्याख्यान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप निरंतर इन ही व्याख्यानों में जुड़े रहे हैं, जिससे आपको पाठ्यक्रम की गंभीरता और पाठ्यक्रम की सरलता से इन पाठ्यक्रमों को या इन विषयों को समझने में आपको निसंदेह बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया कि आप स्केचिंग के जो अपने कार्य हैं, जो आपके पेपर हैं, लाइफ स्टडी और स्केचिंग, तो आप निरंतर आँख, कान, नाक का भी स्केचिंग बनाते रहें। ये महाविद्यालय खुलने के पश्चात आपसे मांगे जा सकते हैं। और स्केचिंग, जैसा कि मैंने पहले की लेक्चर में बताया, स्केचिंग निरंतर बनाते रहें, कम से कम 5 से 7 स्केच हर दिन के बनाते रहें, जिससे कि आपको जब सबमिशन करना हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो निरंतर आप इन व्याख्यानों से जुड़े रहें और अपना प्रैक्टिकल जो काम है, जो महत्वपूर्ण कार्य इसके साथ में है, वो आपको प्रैक्टिकल में आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने आपको मैंने जो पहले के ही व्याख्यानों में बताया था,
तो निस्संदेह आप इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास होंगे, ऐसी मेरी आशा है, शुभकामनाएं हैं। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।